हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रूबी पारेख। और बताइए, कैसे हैं आप और अपने करियर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर की डिग्री लेने का इरादा रखते हैं? अगर वाकई में आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और प्रॉपर जानकारी की भी जरूरत होगी, जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। इसलिए आज आपके लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यानी HMS हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल है। ये बोस्टन मैसाचुसेट्स में सिचुएटेड है और ईयर 1782 यानी कि 1782 में इसकी फाउंडेशन हुई। ये अमेरिका के ओल्डेस्ट मेडिकल स्कूल्स में से एक है और US के रिसर्च ओरिएंटेड मेडिकल स्कूल्स में फर्स्ट रैंक रखता है। HMS बोस्टन रीजन के बहुत से टीचिंग हॉस्पिटल से डायरेक्टली एफिलिएटेड भी है। ये स्कूल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का ड्रीम है जो यहाँ पर पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इस स्कूल में एडमिशन लेना बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स सेल्फ मोटिवेटेड, एम्बिशियस और कम्पैशनेट होने के साथ साथ टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ करते हैं। यहाँ एक्सेप्टेंस रेट केवल 3.3% होती है और हर साल 6000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स को डिनाई कर दिया जाता है। यहाँ पर एडमिशन के लिए केवल हाई GPA और MCAT स्कोर ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपको हर तरह से एक्सीलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी। वैसे वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये सब बता देने का मतलब सिर्फ इतना है कि वाकई में अगर आप हार्वर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से ही अपने एकेडमिक से लेकर के हर एक फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का हिस्सा बनने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए अपना इरादा पक्का कर लीजिए और ऑलराउंडर बनने के लिए एनकरेज और प्रिपेयर दोनों हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल या US के किसी भी मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए आपको पहले बैचलर डिग्री लेनी होगी, क्योंकि इंडिया में MBBS डॉक्टर की डिग्री है और वो एक बैचलर डिग्री है जिसमें एडमिशन के लिए आप 12th के बाद एंट्रेंस टेस्ट देकर एडमिशन लेने की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। लेकिन USA में डॉक्टर की डिग्री बैचलर डिग्री नहीं होती है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जिसका नाम MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है और US में फर्स्ट प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD ही होती है, जिसे करने के लिए स्टूडेंट का 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कम्प्लीट किया होना चाहिए और MCAT भी पास किया होना चाहिए। यानी USA में आपको MBBS की डिग्री नहीं मिलेगी, बल्कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD करनी होगी। इसका मतलब अगर आपको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर की डिग्री लेनी है तो आप 12th के बाद इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, बल्कि पहले आपको साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए अब एडमिशन क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से MD करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये तो आप जान ही चुके हैं। अब इसके लिए या तो आप USA यूनिवर्सिटी से 4 साल की ड्यूरेशन की प्री मेडिकल कोर्स यानी BS डिग्री कंप्लीट करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपने मेडिसिन रिलेटेड फील्ड में ऑलरेडी BS या BSc डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, जिसमें आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिकल रिलेटेड फील्ड की स्टडी की है, तो उसे प्री मेडिकल कोर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद आपको USA की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप MD प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट कोर्स वर्क को भी कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश फ्लुएंसी भी एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन इसके लिए TOEFL कंपलसरी नहीं है। यानी हार्वर्ड से MD करने के लिए आपको 10+2 के बाद साइंस फील्ड में बैचलर डिग्री लेनी होगी, उसके बाद 1 साल का कोर्स USA यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना होगा। आपको MCAT एंट्रेंस टेस्ट यानी कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट भी क्लियर करना होगा, जो कि नीट के कंपैरिजन में आसान कहा जा सकता है। आपको ये भी बता देते हैं कि MCAT स्कोर 3 साल के लिए ही वैलिड होता है और इसके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ भी आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होंगे। एडमिशन क्राइटेरिया के बाद अब आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जाने तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करने की बजाय ओवरऑल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। इसलिए एप्लीकेंट को इन सारे एरियाज में हाई परफॉर्मेंस शो करनी होगी। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एप्लीकेंट एसेज, MCAT स्कोर्स, लेटर्स ऑफ एवोल्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, समर ऑक्यूपेशंस, लाइफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन द हेल्थ फील्ड इंक्लूडिंग रिसर्च और कम्युनिटी वर्क। तो आइए अब जरा इनमें से हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं।
एमडी कोर्स में एडमिशन के लिए एवरेज जीपीए 3.9 है और एवरेज एमसीईटी स्कोर 519.06 है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने कोई मिनिमम एमसीईटी स्कोर सेट नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी एकेडमिक एक्सीलेंस तो एक्सपेक्टेड होती ही है। साथ ही आपको लगभग 6 लेटर्स ऑफ एवोल्यूशन सबमिट करने होंगे और आपके लेटर्स आपकी कैपेबिलिटीज को शो करने चाहिए। इनमें से कम 2 लेटर्स साइंस प्रोफेसर्स के हो और 1 लेटर नॉन साइंस प्रोफेसर का हो। आप खुद को लीडर की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हार्वर्ड में एडमिशन मिलने में आपकी हेल्प कर पाएगी। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने रिसर्च लैब्स में वर्क किया है, जर्नल्स में अपना वर्क पब्लिश करवाया है और अपनी कम्युनिटीज की हेल्प करने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं। आपके एफर्ट्स भी इसी तरह के स्ट्रांग होने चाहिए। अपने पर्सनल स्टेटमेंट के जरिए आपको ये प्रेजेंट भी करना होगा कि आप कौन हैं और आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को क्या दे सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की किसी ऐसी कहानी के बारे में बता सकते हैं जो आपको बाकी कैंडिडेट से बेहतर बनाती हो, और आपका पर्सनल स्टेटमेंट ये क्लियर करे कि एमडी प्रोग्राम में आप औरों से क्या अलग और बेहतर कर सकते हैं। अच्छी तरह से सोच समझ करके ही अपने टॉपिक पर लिखना शुरू करें, जो रियल हो और रिलायबल भी। तो इन सारे एरियाज को कवर करने के अलावा आपको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्री रिक्विजिट कोर्सेज से मैच भी करना होगा, जो है 1 ईयर ऑफ बायोलॉजी यानी कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लस लैब एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि 4 कोर्सेज जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री के साथ लैब एक्सपीरियंस भी हो, 1 ईयर ऑफ फिजिक्स जिसमें लैब एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है, 1 ईयर ऑफ मैथ इंक्लूडिंग कैलकुलस एंड स्टेटिस्टिक्स और 1 ईयर ऑफ राइटिंग इंटेंसिव कोर्सेज। प्री रिक्विजिट कोर्सेज के साथ साथ हार्वर्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे बिहेवियरल साइंसेज कोर्स वर्क को भी बहुत एनकरेज करता है, और हार्वर्ड एक कॉम्पिटिटिव एप्लीकेंट बनने के लिए लिटरेचर, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में कोर्सेज करने को भी रिकमेंड करता है। इसलिए आपको थोड़ा फोकस इन पर भी करना चाहिए। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। HMS के MD प्रोग्राम में एप्लीकेंट्स 2 करिकुलम ट्रैक्स पाथवेज और HST यानी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में से 1 ट्रैक या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 135 स्टूडेंट्स को पाथवेज में एडमिशन मिलता है तो 30 स्टूडेंट्स को HST में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में AMCAS यानी अमेरिकन मेडिकल कॉलेज एप्लीकेशन सर्विस के थ्रू अप्लाई किया जाता है, और आपको अपना AMCAS एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होते ही सबमिट कर देना चाहिए। साल 2021 से 2022 का AMCAS एप्लीकेशन साइकिल मई 2021 में ओपन हुआ, उसके बाद आप HMS सप्लीमेंटल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके सबमिशन के टाइम $100 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फिलिंग फी भी सबमिट की जाती है। हार्वर्ड में अर्ली सबमिशन को एनकरेज किया जाता है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको सेकेंडरी एसेस के लिए मेल का वेट करना होगा, जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर्स देने होंगे। इफ यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, ब्रीफली समराइज योर एक्टिविटीज सिंस ग्रेजुएशन इन 4000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। इसके बाद जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा उन्हें ईमेल करके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साल 2021 से 2022 के एप्लीकेशन साइकिल में सभी इंटरव्यू सेशंस वर्चुअली कंडक्ट होंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं, व्हाट इज योर प्लान इफ यू आर नॉट एक्सेप्टेड इनटू मेडिकल स्कूल दिस ईयर। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वी वांट स्टूडेंट्स हु हैव अ ट्रू पैशन फॉर मेडिसिन। व्हाट अपील्स टू यू मोस्ट अबाउट वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल स्कूल इज एक्सपेंसिव। Have you made a solid financial plan for tuition cost at Harvard Medical School and beyond? What do you feel is the single most important quality a physician should possess? In your opinion, what is the most concerning issue facing the medical industry today? Tell us about your overall academic performance so far. Where have you excelled and where could you improve? Why should we accept you over another medical student with the same qualifications? What is your favorite area of medicine so far? Which is your least favorite? Why? If you could meet anyone in the history of medicine, who would you choose and why? इसलिए इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहिए। और अब जानते हैं ट्यूशन फी के बारे में। तो साल 2021 से 2022 में फर्स्ट ईयर ट्यूशन की फीस $66,284 है, और फीस इंश्योरेंस और लिविंग एक्सपेंसेस को मिलाकर के टोटल फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस अप्रोक्स $99,416 है। ये अमाउंट काफी ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट HMS के फाइनेंशियल एड की हेल्प ले सकते हैं, जो कि इस कंट्री के बेस्ट और जेनरस फाइनेंशियल एड्स में से एक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नीड बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स और लोन्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं।
तो हार्वर्ड के MD कोर्स में एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तो आपने जान ही ली है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि MD कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप US में प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए, MD प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर आप US में मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा और आपको लाइसेंस तो USMLE यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके ही मिलेगा। USMLE के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल MD कोर्स के 3rd ईयर में एंटर होने से पहले क्लियर करना होता है और सेकंड लेवल MD कोर्स के 4th ईयर में एंटर होने से पहले क्लियर करना होता है। सेकंड लेवल क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 से 5 साल होती है। USMLE 3 लाइसेंस एग्जाम होता है जिसे क्लियर करने के बाद आप USA या US एजुकेशन सिस्टम को अप्रूव करने वाली अदर कंट्रीज में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस तरह आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर की डिग्री यानी कि MD कंप्लीट कर पाएंगे और डॉक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू कर पाएंगे। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए और आपको हमेशा टाइम टाइम पर ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे, ऐसे वीडियोस मिलते रहे, उसके लिए जरूरी है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। जरूर से चेक करें और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।